अभी तक आपने फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों के बारे में सुना होगा या खेला होगा। हम आपको बता रहे हैं स्टैंडबॉल के बारे में। जी हाँ, स्टैंडबॉल का जनक छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला कहलाता है। इस खेल की खोज हिदायत अली ने की थी। स्टैंडबॉल खेल संघ के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें स्टैंडबॉल खेल के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खेल जगत से जुड़ी कुछ हस्तियों को आपसे रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि आपने वॉलीबॉल सुना है, हैंडबॉल सुना है, फुटबॉल भी सुना है, लेकिन कभी स्टैंडबॉल नहीं सुना होगा। जी हाँ, स्टैंडबॉल एक गेम है जिसका जनक छत्तीसगढ़ है, और हम खुशकिस्मती कहें कि हिदायत अली जो बिलासपुर निवासी थे, उन्होंने ही इस खेल का ईजाद किया। और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र, उनके जो बेटे हैं जावेद, उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी। और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर काफ़ी बैठकों का दौर भी जारी है। यहाँ हम जो मौजूद है वहाँ एक आज एक बैठक ही है, और पदाधिकारियों का चयन है और घोषणा भी की जाएगी आगामी दिनों में इस खेल को कितना डेवलप करना है। तो हमारे साथ जावेद भाई है, हम उनसे पूछेंगे कि स्टैंडबॉल आखिर खेल कैसा है, क्या है खेल। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे पास। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, तो बिल्कुल ये गेम अपनी जगह स्थापित है, लेकिन ये नया गेम जब हिदायत अली जी ने स्पोर्ट्स ऑफिसर इंजीनियरिंग कॉलेज के रहे वो 84 में इसकी उन्होंने कल्पना कर ली थी और स्क्रिप्ट भी लिख ली थी। चूँकि स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो अपने खेल को पीछे हट गए। जब ये स्क्रिप्ट मेरे को 96 में मेरे हाथ में आई, तो मैंने देखा यार ये गेम तो एक यूनिक चीज़ है और ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल से बहुत ही अलग है। जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा और देखा, तो मेरे को 2008 में इसको मैंने एक बुक का रूप दिया, और चूँकि मैं स्कूल में एक सर्विस करता हूँ तो मेरे को बच्चे मिल गए, वो बच्चों को ये खेल खिलाया, और 8 अगस्त 2008 को इसका पहला एक स्टैंडबॉल का प्रदर्शन मैच करवाया, जिसमें बिलासपुर शहर के सभी क्रीड़ा अधिकारी को, खेल से जुड़े जो खेल प्रेमी थे, उन्होंने इस गेम को सराहा। लेकिन बीच में पूछना चाहूँगी कि ये खेल किस तरह का है, क्या इसकी थेरेपी है, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक से अधिक बॉल, एक बॉल, नेट बॉल, जैसे स्टैंड बॉल में कैसा उपयोग किया जाता है। चूँकि सब गेम के अलग अलग नियम और कायदे हैं, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया और सर्कल के सेंटर में एक स्टैंड, 5 फीट का एक स्टैंड लगाया, जिसके अंदर एक रिंग लगाई, जिसमें से बॉल को अपन फेंक के 5 मीटर की दूरी से फेंक के उसमें डाल सके। तो बाकी जो गेम है उसकी, ये गेम की जो थीम है कि हम हर गेम में एक मेरा ग्राउंड है, इनका ग्राउंड है, ये दूसरे के ग्राउंड में जाके अटैक करते हैं, एक मेरा ग्राउंड है, इनका ग्राउंड है, ये दूसरे के ग्राउंड में जाके अटैक करते हैं, दूसरा वाला हमारे ग्राउंड में अटैक करता है। लेकिन इसमें एक ऐसा था कि दोनों टीमें एक ही स्टैंड में बॉल को स्टैंड करें, और चूँकि इसमें 7 नंबर की बॉल यूज़ होती है और स्टैंड से 5 मीटर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जिसके बाहर से बच्चा ड्रिबल करता है और पासिंग करता है, और इस तरह से वो एक दूसरे को बॉल को स्टैंड नहीं करने देता, माने ओपोनेंट टीम को स्टैंड नहीं करने देता, और जब स्टैंड ज़्यादा टीमें, माने जो टीम ज़्यादा स्टैंड कर ले वो विन हो जाती है। इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, टीमों में कितने खिलाड़ियों का गठन किया जाता है, दोनों टीमों में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें कुल 9 प्लेइंग में रहते हैं और 6 स्टैंड बाई रहते हैं, और इसमें सब्स्टिट्यूट का भी है। 20-10-20 का ये मैच होता है, 20 मिनट प्लेइंग होता है, 10 मिनट रेस्ट और फिर 20 मिनट इसमें फिर प्लेइंग होता है। और इसमें खेल की खास बात है कि ये सर्कल में खेला जाता है, 30 मीटर की सर्कल में ये खेल को खेला जाता है। इस गेम को आपने आगे बढ़ाने के लिए कितनी मशक्क़त की है, प्रदेश के अलावा भी क्या दीगर राज्यों में भी इसकी पहचान बन पाई स्टैंडबॉल की? जी हाँ, 2008 से मैं इसको प्रयासरत हूँ, और 2011 में हमने छत्तीसगढ़ से इसका स्टेट बॉडी का गठन करके एक रजिस्ट्रेशन करवाया था फॉर्मियम सोसाइटी से, लेकिन कोई खास से इतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन 2022 को हमने इसका पहला नेशनल प्रमोशन किया, जिसमें लगभग हमारे 8 स्टेट के लोग आए थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के थे,
और बिहार के थे, यूपी के थे, ऐसा करके हमने 8 स्टेट को शामिल किया और बहुत ज़बरदस्त इसका प्रमोशन हुआ। और आगामी जो 23 दिसंबर को है, इसका मथुरा में पहला नेशनल टूर्नामेंट आयोजन होगा जिसमें गर्ल्स बॉयज़ की दोनों टीमें शामिल होगी। जैसा कि आपने बोला कि इसका नेशनल अभी मथुरा में आयोजित किया जाने वाला है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने स्थानीय खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया है, गिल्ली डंडा हो या भी अन्य खेलों को कई जगह में पहचान दी है, और ये क्योंकि छत्तीसगढ़ जनक कहलाएगा स्टैंड बॉल का। क्या आप चाहेंगे राज्य के मुखिया से ये अपील करेंगे या उनसे निवेदन करेंगे कि इसको ओलंपिक्स में एफिलेट कराएँ? जी हाँ, बिल्कुल। जब 2008 को इस खेल का स्थापना हुई थी और उसी वर्ष 2008 को ही तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इस खेल के जनक हिदायत अली जी को खेल विभूति सम्मान मिला था, और हमको बड़ी खुशी हुई थी कि जब मुख्यमंत्री ने इस खेल को सम्मानित किया, इनके जनक को सम्मानित किया, तो बहुत ही जल्द ये खेल छत्तीसगढ़ के थे और बिहार के थे, यूपी के थे, ऐसा करके हमने 8 स्टेट को शामिल किया और बहुत ज़बरदस्त इसका प्रमोशन हुआ। और आगामी जो 23 दिसंबर को है, इसका मथुरा में पहला नेशनल टूर्नामेंट आयोजन होगा जिसमें गर्ल्स बॉयज़ की दोनों टीमें शामिल होगी। जैसा कि आपने बोला कि इसका नेशनल अभी मथुरा में आयोजित किया जाने वाला है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने स्थानीय खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया है, गिल्ली डंडा हो या भी अन्य खेलों को कई जगह में पहचान दी है, और ये क्योंकि छत्तीसगढ़ जनक कहलाएगा स्टैंड बॉल का। क्या आप चाहेंगे राज्य के मुखिया से ये अपील करेंगे या उनसे निवेदन करेंगे कि इसको ओलंपिक संघ में एफिलेट कराएँ? जी हाँ, बिल्कुल। जब 2008 को इस खेल का स्थापना हुई थी और उसी वर्ष 2008 को ही तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इस खेल के जनक हिदायत अली जी को खेल विभूति सम्मान मिला था, और हमको बड़ी खुशी हुई थी कि जब मुख्यमंत्री ने इस खेल को सम्मानित किया, इनके जनक को सम्मानित किया, तो बहुत ही जल्द ये खेल छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएगा। लेकिन किसी कारणवश हमने या प्रयास में कमी की, जैसा भी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल तैयार है उनसे समय लेने के लिए कि वो हमको समय दे और हम उनको सामने ये प्रस्ताव रखें कि ये छत्तीसगढ़ का एक नया गेम है। हम विदेशी गेमों को तो बहुत प्रमोशन देते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में जो जन्मा है वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए मैंने खड़ा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको प्रमोट कीजिए ताकि ये अब छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। टीम सभी सदस्यों से मिलकर बनती है, टीम में मौजूद एक मैडम हमारे साथ है, वो बताएंगी स्टैंड बॉल है क्या और शासन प्रशासन से इसको ओलंपिक में मान्यता दिलाने के लिए क्या अपील करेंगी? हम लोग तो बहुत से कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक में ये चला जाए। हम लोग खुद सीएम सर से मिलने की कोशिश में हैं और हम ये आशा करते हैं कि सीएम सर भी हमारी बात को सुनेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हमारी मदद करेंगे। जैसा कि जावेद भाई ने बताया अभी स्टैंड बॉल के बारे में, उनके पिता जनक रहे हैं और किस तरह उनको पहचान मिली है, और राज्य शासन से अपील भी उन्होंने की है कि इसको ओलंपिक संघ में खेलों में शामिल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ है इकबाल भाई, वो बास्केट बॉल कोच हैं और वो चाहते हैं कि इस खेल को हमारे राज्य में पहचान मिले, ओलंपिक संघ में भी इसको शामिल किया जाए। तो उनसे जानेंगे इस खेल के बारे में और वो बताएँगे शासन से कैसी अपील वो कर सकते हैं। जी, मैं इकबाल अहमद खान हूँ, मैं यहाँ भिलाई में हूँ, बीएसपी में हूँ, बास्केटबॉल कोच हूँ, बीएसपी टीम का भी और छत्तीसगढ़ टीम का भी कोच हूँ। और मैं चाहता हूँ कि स्टैंड बॉल आगे बढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि ये तो इसकी जो मतलब जो छत्तीसगढ़ में ही ये गेम पैदा हुआ है ना, इनके जो जावेद भाई हैं जो यहाँ के अपने स्टैंड बॉल इंडियन स्टैंड बॉल के सेक्रेटरी भी हैं है ना, और वो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे भिलाई में एक मीटिंग भी रखे हैं निजामी भाई के थ्रू, जो निजामी भाई जो हमारे खेल में तो है ही और साथ में प्रेस में भी हैं और बहुत एक्टिव हैं वो, है ना। हम चाह रहे हैं कि ये इस जो टीम है स्टैंड बॉल की जो टीम है इनको ये सीधा अपना भूपेश बघेल साहब के से मिलाएँ और मिला के इसका एक मतलब छत्तीसगढ़ में एक गठन करवाएँ।
आने वाले दिनों में राज्य में एक ओलंपिक स्तर पर गेम होने वाले हैं, सभी स्थानीय खेलों को उसमें शामिल किया गया है, तो क्या आप चाहेंगे राज्य के मुखिया से अपील करना कि स्टैंड बॉल को भी उसमें शामिल करें? हालांकि इसका जनक ही छत्तीसगढ़ है। ये गेम तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ही है, बिलासपुर से है, और हम चाहेंगे कि जो ओलंपिक हो रहा है जो अपने दुर्ग ज़िले में भी हो रहा है, अपन चाहेंगे दुर्ग ज़िला क्या हर ज़िले में इसका गठन हुए और इसको एक मान्यता दिया जाए, स्टैंड बॉल को मान्यता दिया जाए, जो कि बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा खेल है और कम लागत में एक अच्छा खेल है ये। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टैंड बॉल खेल की टीमें थी और उसके उनके संस्थापक हिदायत अली के पुत्र जो जावेद अली भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने बताया स्टैंड बॉल के बारे में और राज्य शासन से अपील की है कि ओलंपिक खेलों में इसको शामिल किया जाए। उम्मीद जताई जा सकती है कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे स्थानीय खेलों को बढ़ावा देते हुए ओलंपिक में शामिल किया है, इस खेल के लिए भी वो निगाहें अपनी लगाएंगे, अपना साथ देते हुए इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी स्टैंड बॉल की टीम, छत्तीसगढ़ जनक है स्टैंड बॉल का और इन्होंने जो मेन है इस खेल में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हिदायत अली सर के जो पुत्र हैं वो शासन प्रशासन और राज्य के मुखिया से अपील भी कर रहे हैं कि ओलंपिक संघ में इसको मान्यता दें। देखना होगा कि इस खेल का आगे कैसे विस्तार होता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस ओर कैसा कदम बढ़ाते हैं। ग्रैंड एशियन के लिए मैं शाहीन खान।